बहुत ही प्यार भरी मिठी ते निघी सत श्री अकाल सारे फगवाड़ा प्राइम टाइम टीवी के श्रोतियां नूं। तुसीं जुड़ चुके हो मनु अरोड़ा दे नाल फगवाड़ा प्राइम टाइम टीवी ते। अज ऑल इंडिया एंटी करप्शन फोरम वालों 41वां राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया। इंसानियत लई फर्ज निभाते हुए एक जज्बा दिखाते हुए इंसानियत के प्रति ऑल इंडिया एंटी करप्शन फोरम ने कोविड टाइम के राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक अपना काम शुरू किया, जिस दे विच जरूरतमंदा नूं राशन पहुँचाते रहे ने, चाहे वह सुक्का राशन सी चाहे जिस भी तरह का जरूरत पैंदी सी लोगों नूं। वो हाले तक मुहिम चल रही है जरूरतमंदा तक राशन पहुँचाने की। अज 41वां कैंप लगाया गया जिस जरूरतमंद परिवारों नूं राशन वंडिया गया और 250 बोरी की कमिटमेंट की गई कि असी बॉर्डर से ट्रक भेजांगे जिथे जरूरतमंदां नूं राशन दिता जाएगा। असी दस दिए कि ऑल इंडिया एंटी करप्शन फोरम के जिहड़े प्रेजिडेंट ने गुरदीप सिंह कांगजी ने, अतुल जैन जी जनरल सैकटरी ने और विनय कुमार बिटू जी कैशियर ने, संजीव लांबा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने, सुनील ढिंगरा जी वाइस प्रेसिडेंट, आशु मारकंडा वाइस प्रेसिडेंट, सुनील भंडारी वाइस प्रेसिडेंट, हरभजन सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, सतपाल कोछर वाइस प्रेसिडेंट, जुगल भवेचा जी ज्वाइंट सैक्रटरी, जसबीर माहे जी प्रेस सैक्रटरी। इन्हों सारिया के यत्ना सदका ये जोड़े कैंप लगाए जाते हैं और राशन वंडिया जाता है और एक काम दस्तूर जारी है। पंजाबी जाने जाते हैं अपनी इंसानियत के प्रति जज्बे लिए, उस तरह ही फगवाड़ा वासी भी अपने जाने जाते हैं इंसानियत के प्रति जज्बे लिए। आओ सुनिए सीनियर पत्रकार श्री विक्रम जलोटा जी के विचार इस मौके पर, जो कि पंजाब केसरी के पत्रकार हैं। उन्होंने पूरा घेरावा लिया, ट्रक गया फटाफट लोग आ गए, जाल बिच गया। मैं जवाहर लाल गुप्ता जी और सिटिंग विद मी, मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा सर राशन वंडन आए हैं, सारा जाल पा दिता। कहते बेटा इतने पता नहीं लगता कि ग्रेनेड सुट देना, और काफी भैन बैठी हुई सी। मेरी जिंदगी का शायद टर्निंग पॉइंट सी। मैं जो तो गया वो लेडी मेरे को आई, मस्ट बी अराउंड 22 साल की होगी। मैनू उन्हें आके किया, मैं कुर्ता पजामा पाया, उन्होंने दस लोग खिंचया, मैंने कहते बेटा राशन वंडन है। मैं कहा हाँ जी राशन वंडन है। मेरी कहती इल्तजा है कि मैं हाथ जोड़ा, हाथ ना जोड़ो दसो तुहाडा नाम है। कहती नाम भी है सब कुछ है, पर मैं जान लगे ना तीन थैलियां जरूर देनी। बड़ा कठिन सवाल है कि तीन थैलियां मैं दवा, और क्योंकि एक पूरा सिस्टम के नाल राशन वंड हुंदा है। मैं जो राशन वंडन गया तीन थैलियां उन्हें मंगियां, तो मेनू समझ नहीं मैं करा की। मैं जेबी सिंह चौधरी नूं कहा, मैं कहता इतने पोजिशन एह जी है, पर मैं कह जी मैं मना नहीं कर सकता। और जो गई मैं पूछा, मैं कहा जी भैन जी तुसी तीन थैलियां की करनी है? कहती बेटा इस तरह है कि मेरे तीन बेटे सीगे, आई हैड थ्री सन्स, तीन बेटे सी, और ये लड़की जिहड़ी तेरे कोल खड़ी है ये मेरी नूह है। कहती मैं जो अपनी शादी करके लैके आई हूँ, बड़े चा ना लैके आई है, तो मैं हजे अपने पिंड एंटर भी नहीं की, तेन गोली मार दी मेरे बेटे, तो यह अपने घर भी नहीं पहुंची और विडो हो गए। मैं कहती हौसला जुटाया 10-12 दिन तो बाद, मैं कह नहीं ये मेरी बेटी है, मैं इन रखना है, मैं इन अपने छोटे बेटे का ब्याह दिता। मिलिटेंट्स ने रात मेरे घर पर हमला किया, मेरा छोटा बेटा भी मार दिता। और कहती मेरा सब तो छोटा बेटा जिहड़ा सी वो 14 साल का, और कहती मैं फिर हिम्मत नहीं आ गई कि नहीं मैं इनू धी बना के लिया है। और मैं इन्ना हालांकि उम्र चो थोड़ी वड्डी सी, पर मैं कहती मैं अपने घर दे विच बेटी बना के रखना। मैं कहती हिम्मत जुटा के तीसरा बेटा भी अपना इहदे नाल व्याहिया, और मेरा बेटा बाजार कुछ लैन गया शादी तो कुछ टाइम कुछ घंटिया बाद, और मिलिटेंट्स ने उन्होंने भी मार दिता। मेरे तीन बच्चे गए ने, मेरे घर च कमान वाला कोई नहीं है, मैं मेरी बेटी है और मेरी नूह है। बेटी नूह इस करके नहीं कटती क्योंकि मैनू हजे डर लगता कि जे मैं किसी को गया था, क्योंकि मेरा जिहड़ा हसबेंड है वह इंडियन आर्मी च रहा है, तो मैं तेरे को तद मंगिया भी उहदी भी डैथ हो चुकी है, मेरे को कोई है नहीं साधन, तो मैं एक थैली अपने लिए, एक अपनी बेटी लिए और एक अपनी जिहड़ी विडो नूं है उहदे लई मंग रही हां। मैं उहनूं तीन थैलियां प्रोवाइड करवाईआं, मैं नहीं पता परमात्मा कित्थे उहदा घर कित्थे है, पर मैनूं साक्षात परमात्मा दे दर्शन होए।
और द वेरी नेक्स्ट ईयर आफ्टर 11 ईयर्स मेरे बेटा होया और मैनू वो ग्लिम्सिस ओदे च नजर आए। सेवा दस के नहीं हुंदी, सेवा दा फल लगता है। इस करके गुरदीप अगर तू काम कर रहे हैं करन दे, जो कर दे ने करन दे, विल कंटिन्यू। शहर साडा है, अभी सेवा करांगे। अशोक गौतम जी बैठे हुए ने, मैं थोड़ा जा टाइम लवांगा क्योंकि बॉय नु अज मौका मिलिया बहुत देर बाद। धालीवाल जी अमिल, मैं उदो का जानता जो एस टी एम फगवाड़ा होंगे सी, कहते इंसान रुतबे आम के नाल बदल जाता है, पर इंसान बिल्कुल नहीं बदलिया, अज भी उदे ने। मैं अज भी ये गल कह सकता जो कोरोना सी, रामपाल जी बैठे हुए ने, अशोक जी बैठे हुए ने, मेरा शहर इन्ना अच्छा है, लोग कंपीटिशन करते होंगे जाके, ठीक है असं भी कंपीटिशन करते हैं, इलेक्शन होंगे ने, बहुत कुछ होंगे, लेकिन जो विपता पैंती है, मैं विजय जी तुम एक गल दसना चाहना, वरिंदर जी साढ़े शहर च कंपीटिशन होंगे कि बद सेवा किने की है, यह है मेरे फगवाड़े की पहचान। और अगर एक कॉर्नर के उत्ते राशन वंड हो रहा है तो एक कॉर्नर तो शिव मंदिर पक्काबाग तो घर घर खाना पका के जा रहा है और एक काम लगातार होया है, और कोई ऐसा बंदा नहीं सी। लोग कहते सी बंगिया तो, नवा शहर तो, और ईवन जलंधर तो लोग खाना लैन इतने आते दिनों अंदर आस पास के पिंड तो फगवाड़े च खाना मिल जाएगा। ये फगवाड़ा की पहचान है। अशोक जी तुम कुलथम फैमिली तो, इन्हों के ब्रदर अज की डेट के अंदर साढ़े फगवाड़े अगर असं एंटर करते हैं सब तो पहला गुरु महाराज के दर्शन होंगे ने, चरण छो प्राप्त जगह है, श्री गुरु रविदास जी महाराज जी भी आइकॉनिक बना रहे हैं, दविंदर जी, धारीवाल जी ने कोई कसर ही नहीं छटी फगवाड़े अंदर। और मैं बेइंसाफी करा अगर मैं नाम सोम प्रकाश जी का ना लो, अगर तुम अच्छ फगवाड़े तो पार करते हो तो पुल की देन जी है वह सोम प्रकाश जी की है, उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं याद है उदो असी लेट बी जी श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी का ब्लड डोनेशन कैंप लगाया सी, और उदो फगवाड़े के इलेक्शन नहीं हुए सी, धालीवाल जी विधायक नहीं बने सी, और मेरे को उस ही मंच के उत्ते सोम प्रकाश जी भी आए और धालीवाल जी भी आए और दो तीन होर भी टॉप के लीडर्स पहुंचे, तो मैं उन्होंने कहा सी, मैं कहा इसे ही कमरे चो सानू फगवाड़े का विधायक मिलेगा, और विधायक उतों ही मिले। ये अच्छी गल है कि साडा फगवाड़ा अज पूरी तरक्की है। रेलवे स्टेशन का अगर गल करिए जी, वन ऑफ द क्लास रेलवे स्टेशन फगवाड़ा बनेगा, चिंतपुर्णी माता नू जाना होवे ते सेंटर ने गवर्नमेंट ने की है 4 लेन अपना हुशियारपुर तो हो रहा जी, तो यह फगवाड़ा आने वाले टाइम के अंदर बहुत खूबसूरत बनेगा। ज्यादा टाइम ना लेंदा हुआ सिर्फ ये कहवा एक चीज होर मैं तुम कहवा, शीत साडा इतने जो अभी काम करते हैं ट्रकों की सेवा निर्विघन जारी है। मैं एक चीज जरूर तुम गल कहना चाहवा और जरूर उत्ते गल करी हो, ताकि सारे घर सुख दुख होंगे है, असं लोग हमेशा फगवाड़े से जो जाने तो अभी सुख दुख लिए कुछ चीज कड़ते हैं। मैं जिक्र करना चाहवागा शहीद परिवार फ्रंट का, गल कुछ भी नहीं है लेकिन गल बहुत वड्डी है, निरंतर सेवा का जोड़ा काम है वह शहीद परिवार फंड करती है। लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शहीद परिवार फंड का नाम है, जरूर कोशिश करियो, मैं भी करांगा, करदा भी है, ताले को जो निकले जो यथा संभव शक्ति हुए वो जरूर दियो, वो अल्टीमेटली किसी ना किसी जरूरतमंद दे काम आ जाएगा वो अंश, और फिर तुहानू उहदे तों इनकम टैक्स के अंदर भी पूरी छूट है, इस करके उस अंदर भी जरूर करो। ऑबिचरी है जरूर भेजो बुजुर्गों के नाम का, ताली एनिवर्सरी है खुशी के अंदर जरूर भेजो, बर्थडे है जरूर भेजो। इसलिए सिर्फ इन्ना कह के जावांगा कि सफर बहुत लंबा है, और मेरी ख्वाहिश है अनूप जरोड़ा जी भी साडे फगवाड़ा तो ही ने, मैं उन्होंने बेनती भी की सी जो करोना ठीक हो जाएगा असी वड्डा फंक्शन भी करांगे, गुरदीप तेरे को ही करवाना है, और असी जो भी उहदी प्रोसीड जानदे हां जी असी कोशिश करांगे कि वह कंप्लीटली असी एक कॉज लई कर दईए, और ना नहीं करनगे, मैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इतने फगवाड़ा उन्होंने इनविटेशन देवांगा, तुहानू भजन भी सुनाएंगे और तुसीं इंजॉय भी करोगे, ईश्वर का नाम भी होगा और असीं पुन्न भी करांगे। तो इस वादे के नाल मेरे दोस्त रामपाल उपल जी बैठे हुए ने, असीं जतिंदर जी ने, सारे ने, आई मीन यदा नाम वरिंदर जी ने, इस जज्बे के नाल कि
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਪਨ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵਿਪਨ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸੇਵਾ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜੁਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਪਲੱਸ ਨੀਤੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।